नमस्कार, स्टॉक विद अभी आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं पांच डिफेंस स्टॉक पे और बेहतरीन सारे के सारे अच्छे स्टॉक्स होंगे और इन पे देखते हैं कि अब इन स्टॉक्स में क्या मोमेंटम बनना है, स्टॉक कहां से कहां तक जा सकते हैं, क्या ये यहीं ठहर सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। तो सारे स्टॉक पर चर्चा करेंगे, पाँच स्टॉक होंगे, पाँचों के पाँचों बेहतरीन स्टॉक होंगे और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं से ही पिक कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इनको रख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। सबसे पहला स्टॉक है भारत डायनामिक। अब इस स्टॉक की अगर चर्चा की जाए तो इस स्टॉक को एक लेटेस्ट में ऑर्डर और मिल रहा है DRDO की तरफ से, भारत डायनामिक को लगभग ऑर्डर की प्राइस लगभग 3000 करोड़ है और ये DRDO इससे मिसाइल बनाने के लिए इसको एक ऑर्डर दे रहा है और वो लगभग 3000 करोड़ के प्राइस का लगभग है। अब इससे क्या हुआ कि इस स्टॉक में यहाँ से तेजी आने की संभावना है, क्योंकि जब किसी स्टॉक को ऑर्डर मिलता है, किसी स्टॉक के प्रति कोई न्यूज होती है तो उनमें तेजी तो जाहिर सी बातें आती है। और इस क्या है, ये डिफेंस का स्टॉक है, जब डिफेंस का स्टॉक है तो डिफेंस के स्टॉक में तो वैसे ही रेलवे और डिफेंस में वैसे ही बूम चल रहा है, तो इस स्टॉक में जरूर तेजी आएगी। और जब तेजी आएगी तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ से तेजी आएगी और क्या ये और गिर सकता है, कितना इसके लेवल हो सकते हैं, तो सारे के सारे देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपके मित्र हैं जिनको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत डायनामिक लिमिटेड। अब इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक देखिए, इसने हाई जो लगाया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लगभग ये स्टॉक लगभग 3.83% की गिरावट के साथ 1655 रुपए पे है। अब इसमें प्राइस कुछ BSE NSE में कुछ अंतर हो सकता है सर, उसको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस स्टॉक में देखें तो इसने जो हाई लगाया है लगभग 1787 रुपए तक का ये हाई लगाया है और ये फिर उसके बाद अब पिछले ट्रेडिंग सेशन के वीक में ये 1570 रुपए का लो भी लगा के आया है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें एक फ्यू रिटेस्टमेंट डालने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि ये कहां से कहां तक और इसके सपोर्ट बन रहे हैं और कहां से ये उठ सकता है। अब देखिए, अब मैंने फ्यू रिटेस्टमेंट डाला इसमें तो ये कितना बेहतरीन स्टॉक, देखिए आप 1582 का जो 23.6 का जो परसेंटेज है, 1582 को इसने टच किया है और वहीं से तुरंत इसमें बाइंग आ गई और इसके बाइंग आके फिर ये स्टॉक फिर ऊपर चला गया। तो देखिए क्या स्टॉक अच्छी तरह से ये फेवरेट रिटेस्टमेंट को ही बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अब ये स्टॉक की अगर देखा जाए तो दूसरा जो 38.2 ये 0.382 लिखा है, 0.236 लिखा है, ये 38.2 23.6 पढ़ेंगे इसको और 50% 60% ऐसे पढ़ते हैं सर इसको, ठीक है। तो 23.6% को ही इसने टच किया, वहां से तुरंत ये ऊपर चला गया। अब ये स्टॉक का अगर ये गिरता है, वैसे अब नहीं गिरेगा, अगर ये फिर गिरता है तो किसको सपोर्ट करेगा, तो लगभग 1426 रुपए को यहाँ आने की संभावना बिल्कुल नगण्य है इसकी। अब आप ये जो सब कर इसने टच किया तो ये इसलिए होते हैं सर कि जैसे हम अगर बाइंग करना होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अब हम लोग तो ज़्यादा जो कुछ नए इन्वेस्टर होते हैं या जो नए ट्रेडर होते हैं तो वो तो नहीं समझ पाते हैं कि हमें कहाँ स्टॉक को बाई करना है, तो ये जो रिटेस्टमेंट वगैरह होता है ये उनके लिए होता है। यहाँ पे वो अपनी बाइंग प्राइस लगा देते हैं कि इतने पे हमें खरीदना है, यहाँ से ही स्टॉक देखो तुरंत जब ऊपर भागता है, किसी बाइंग प्राइस से ऊपर भागता है तो देखिए इसको टच करके 1560 को टच करके सीधा ऊपर गया ये स्टॉक। तो ये फिर रिटेस्टमेंट वगैरह से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ पे टच करेगा, अब दो चार रुपए ऊपर नीचे हो सकता है वो एक अलग चीज है, तो वहां पे अपनी बाइंग प्राइस का निर्धारण कर दिया जाता है। अब इस स्टॉक को देखो तो कहाँ पर सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 1560 रुपए सपोर्ट है, यहाँ पे अगर फिर आए तो आप हैवी बाइंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आने की संभावना बिल्कुल खत्म है इसकी। अब अगर ये स्टॉक आपका कितने लगभग 1800 से ऊपर निकलता है तो फ्रेश ब्रेकआउट करेगा, जब फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से आपको 2000-2500 तक की रैली दिखाएगा। कुछ में स्टॉक्स में आपको टारगेट निकालने की कोशिश करता हूँ, वो देखते हैं। अगर सिंपल सा इसमें टारगेट निकालूं तो ये 2000 रुपए का टारगेट आपको इजीली दिखाई देगा, जो कि ट्रेंड लाइन से आपको दिख रहा है, ऐसे ही लगभग टारगेट निकाल लिए जाते हैं। और केवल सर प्रोडक्शन होता है, क्या चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, केवल एक अनुमान लगाते हैं कि ये यहां तक पहुंच सकता है, तो मेरा अनुमान रहता है कि मैं ट्रेंड लाइन से अनुमान लगा दूं और लगभग सटीक ही बैठता है, जहां तक है मैंने काफी लगभग 90% अनुमान मेरा सटीक ही बैठता है, तो ये 2000 के आपका टच करेगा सर,
ठीक है सर, 2000 टच करेगा, 2000 टच करने के बाद फिर मैं आपको नया टारगेट बताऊंगा। अब आप टारगेट इन स्टॉकों में आप ज्यादा टारगेट न रखें, आप केवल एक काम करें कि अपना एक एसएल निर्धारण कर लें, या तो 10% का एसएल ले लें, क्योंकि बड़ा एसएल मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन स्टॉकों में डिफेंस में रेलवे में आप थोड़ा बड़ा एसएल रख के पोजिशन बनाइए और इन स्टॉकों में एक दो साल टिकने का प्रयास करिए। ये स्टॉक आपको नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो ठीक है सर, अब भारत डायनेमिक की बात आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला स्टॉक चलते हैं, अगला स्टॉक है सर इसमें BEL। अब ये सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसको देखते हैं। तो इसमें मैंने फेवरी टेस्टमेंट भी डाला है और टारगेट का भी निर्धारण किया है। तो अब ये स्टॉक देखिए, अब ये स्टॉक जो है पहले ये सपोर्ट कहाँ पे ले रहा था, लगभग 301 रुपए पे 23 पॉइंट। सर यहाँ जरूर सपोर्ट लेते हैं, कोई भी स्टॉक 23.6 पे जरूर सपोर्ट लेगा, उसके बाद नीचे अगर आएगा तो 38.2 पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद नीचे आएगा तो 50% सपोर्ट लेगा, उसके बाद नीचे आएगा 60% सपोर्ट लेगा। अगर वहां से स्टॉक नीचे निकल जाएगा तो फिर ये स्टॉक थोड़े डेंजर जोन में चले जाते हैं, तो वहां से फिर स्टॉक काफी दिनों बाद रिकवर करते हैं, क्योंकि वो एक कंसोलिडेट जोन हो जाता है लगभग। अब वहां कितने दिनों तक वो रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन अब इस स्टॉक देखिए यहां से रीटेस्ट करके ये 301 रुपए 23.6 को रीटेस्ट करके ये ऊपर की ओर जा रहा है, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो अब ये अगर स्टॉक आपका कहां 340 रुपए के ऊपर निकलेगा, जहां पे आप जो फ्रेश वायर हैं, फ्रेश वायर तो यहां पे ही बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल आप इसका चाहो तो 322 का लगा लेना, 322 का एसएल, और आप यहां से बाई कर सकते हैं। कब ये 340 के ऊपर निकलता है तो आप बेधड़क इसको बाई कीजिए। ये आपको टारगेट में आपको दिखा रहा हूं, लगभग 400 रुपए का तो इजीली टारगेट, उसके बाद ऊपर निकलने दो इसको, 450-600 रुपए तक के टारगेट आसानी से दिखाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सर अगला स्टॉक चर्चा करते हैं, अगला स्टॉक है, अब अगर स्टॉक चर्चा करिए अवेंटल लिमिटेड। अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो ये स्टॉक देखिए काफी दिनों से एक रेंज में चल रहा था, वो रेंज थी इसकी सर लगभग 2023 से और ये कहां तक जून 2024 तक एक जो रेंज थी, इस रेंज को इसने तोड़ा और इस रेंज के बाद ब्रेकआउट दिया। अब इस स्टॉक को मैं जब से इसने ब्रेकआउट दिया है तब से इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं। मैंने काफी पहले वीडियो भी बनाई डिफेंस सेक्टर पर, इसमें अवेंटल को मैंने रिकमेंड किया काफी दिनों से। तो ये सर अब ये स्टॉक देखिए 223 रुपए पे आ गया, और जो मेरे व्यूअर्स हैं एक आध दो चार जो हैं उनके पास ये अवेंटल स्टॉक्स है सर। अब अगर वो स्टॉक यहाँ से, इस स्टॉक ने यहाँ से हाई जो लगाया लगभग 223 रुपए का हाई लगाया, और ये हाई लगा के अब देखो ये स्टॉक यहाँ पर है कितने पे हाई लगा के, ये 209 रुपए पे अब चल रहा है, और इसका जो लो है इस वीक का, पिछले वीक का, वो 190 का लो है, और 190 के लो के और हाई है 223 का। अब इस स्टॉक को आपको अगर देखना है तो ये स्टॉक आप अब इसे देखें तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ही इसने लगभग पिछला जो लो लगाया था वह है। अब यहाँ से मुझे तो इसकी संभावना नीचे तो नजर नहीं आ रही है। अगर आप अगले कल के ट्रेडिंग सेशन में मंडे से अगर इसको आप खरीदें तो इसका एसएल जो लगाएं वो एसएल इसका लगभग कितना 189 रुपए का ये एसएल आ रहा है, पिछले वीक का जो एसएल 189 का आ रहा है। तो ये आप, ये मैं लंबा एसएल इसलिए सर इसको बता रहा हूँ, थोड़ा एक बंडे का भी एसएल देख लो, छोटा एसएल हो जाएगा। एक सेकंड सर, बंडे का एसएल देखते हैं तो वो 202 रुपए का लगभग, 200 कितना आ रहा है सर, ये 203 रुपए का। इसको इस एसएल को आप लगा सकते हो, 203 रुपए के एसएल को आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लेकिन पर ये छोटे जो एसएल होते हैं वो जल्दी कट जाते हैं, क्योंकि बाई चांस स्टॉक थोड़ा नीचे आया तो वो एसएल कट जाएगा। तो जब वो एसएल कट जाएगा तो फिर अगला जो एसएल है उसको आप 192 का, ये एसएल ज़्यादा सेफ है, तो 192 का एसएल तो आपको लगाना ही है। ये एसएल आप लगा के रखिए, 192 का कितना आ रहा है लगभग प्राइस, 192 का आप एसएल लगाइए और इस एसएल के साथ इस स्टॉक को आपको लीजिए। लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में जो भी डिफेंस स्टॉक है, चाहे वो अवेंटल हो, चाहे BEL हो, चाहे BDL हो, अभी इन स्टॉक्स में SL आप मत लगा के रखिए, वो ज़्यादा बेटर है, पोजीशन आप बनाइए। और इनमें जो सेफ SL हैं वो लगभग 10% और 15%, जैसे आपने मान लो 200 रुपए का लिया तो 180 रुपए का SL, और आपने अगर 220 पे लिया तो लगभग कितने का 10% आप कम कर दीजिए, तो 10% का आप SL लगा के चलिए और वह SL के साथ आप इन स्टॉकों में बने रहिए। और आप SL न लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि डिफेंस और रेलवे में बिना SL के ही आप काम कीजिए, और ये स्टॉक आपको यहाँ से नई ऊंचाई पे लेके जाते रहेंगे। अब इस स्टॉक की अगर टारगेट की मैं बात करूँ, टारगेट में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये लगभग टारगेट यहाँ से इसका कितना आ रहा है, लगभग 270 रुपए तक का टारगेट आ रहा है, और वो 270 रुपए का टारगेट वो इजीली अचीव कर लेगा।
ठीक है सर, बात समझ में आई होगी आपको अवेंटल की। अगला स्टॉक चलते हैं, अगला स्टॉक है सर कोचीन शिपयार्ड और जीआरएसई, दोनों पर चर्चा करते हैं, दोनों स्टॉक देखते हैं। इस तरह मैंने आपको पांच स्टॉक आज इसमें बताए, पांचों के पांचों बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है। इसके बाद अगर आपके पास डिफेंस का कोई भी स्टॉक है, जैसे पारस डिफेंस है, अगर आपके पास एचएएल, अगर आपके पास जेनटेक है, अगर आपके पास अपोलो माइक्रो सिस्टम है, अगर आपके पास जो भी डिफेंस का स्टॉक है, आप उनमें होल्डिंग पोजिशन बना के रखिए। ये स्टॉक आपको यहाँ से नई ऊंचाई पे ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी इन स्टॉक्स में। अब चलते हैं कोचीन शिपयार्ड की ओर और जीआरएसई के चार्ट पैटर्न उनको देखते हैं। इस स्टॉक को देखें, कोचीन शिपयार्ड को तो मैंने फेब्रुअरी टेस्ट में इसमें लगा रखा है। अब ये स्टॉक देखिए 38.2 पर इसने सपोर्ट लिया, वहां से ये स्टॉक ऊपर निकल गया। अगर स्टॉक में आपको पोजीशन बनानी है तो आप कल के दिन के ट्रेडिंग सेशन में भी पोजीशन बना सकते हैं, जहां आपको मिले उस प्राइस पे पोजीशन बना सकते हैं। ये कोचीन शिपयार्ड यहां रुकने का नहीं है, ये बहुत जल्दी आपको 3,500 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में। जैसे ये मेजवान डॉक चल रहा है, ऐसे ही कोचीन शिपयार्ड भी आपको 3,500 तक के टारगेट दिखाएगा और इजीली दिखाएगा। हाँ, इसके जो अगर आपके कुछ लेवल्स अगर इसको ध्यान रखें तो इसका लेवल जो है लगभग 2645 रुपये का लेवल है, वहाँ अगर आए तो आप इसको और बाई कीजिए, और 2771 तक का लेवल है, वहाँ मिले तो और बाई कीजिए, तो 2771 पहले बाई कीजिए, थोड़ा नीचे आए तो 2645। इसके अलावा ये नीचे स्टॉक नहीं आएगा और ये स्टॉक यहाँ से ऊंचा ही जाएगा। हाँ, हो सकता है, इतना हो सकता है कि एक दो दिन या दो चार दिन ये स्टॉक हो सकता है कंसोलिडेट कर जाए, और कंसोलिडेट भी वो आपके इसी रेंज में ही करेगा। वो रेंज होगी आपकी 2645 रुपये से लगभग 2771, या वहाँ से ये कितना चल रहा है लगभग 2850, और इसी रेंज में ही 2850 और 2645 रेयर केस है अगर नीचे आता है तो, वह 2771 और लगभग 2900 इसी रेंज में ही ये आपका कंसोलिडेट करेगा, यहाँ से ही ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। तो ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी कोचिंग शिपयार्ड के लिए। अब अगला स्टॉक चलते हैं, अगला स्टॉक है सर जीआरएसई, इस स्टॉक को देखते हैं। जीआरएसई को देखिए कितना अच्छा फेब्रुअरी टेस्टमेंट को ही रीटेस्ट कर रहा है बार बार ये स्टॉक, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस स्टॉक में भी। देखिए 2410 रुपये के ऊपर इसने सपोर्ट किया और वहीं से ये स्टॉक ऊपर निकल गया पिछले वीक में, और यहाँ से अगर इसको देखा जाए स्टॉक को तो ये अब यहाँ से 2813 के ऊपर निकलते ही ये स्टॉक फिर आपको 3200-3300-3400 तक के टारगेट दिखाएगा, ये भी 3500 जाएगा, इसमें भी कोई गुंजाइश की बात नहीं है, जाएगा 100% जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, जिसके पास है वो स्टॉक को बेचने गलती ना करें, कोई भी डिफेंस स्टॉक हो चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो। हाँ, लेवल जरूर इसके रखिए, लेवल इनको नोट कर लीजिए आप, 23.6 पर 2410 रुपये पर आ जाए तुरंत आप बाई कर लीजिए, और इससे नीचे आने का कोई भी इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। थोड़े दिन ये कंसोलिडेट हो सकता है तो आप इसमें परेशान न होइएगा, और इन स्टॉक्स में आप जरूर एंट्री बनाइए, चाहे कोचिंग शिपयार्ड हो, चाहे जीआरएसई हो, चाहे मझगांव डॉक हो, चाहे एचएएल हो, चाहे बीईएल हो, चाहे बीडीएल हो, चाहे पारस डिफेंस हो, चाहे जेनटेक हो, चाहे अवेंटल हो, चाहे अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, सारे एक से एक बेहतरीन स्टॉक मैंने आपको गिनाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपको आपके पास हैं, अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसमें एंट्री के लेवल खोजिए। अगर कोई स्टॉक आपको किसी पर चार्ट पे एनालिसिस करवाना हो तो भी कमेंट कीजिए, और मैं उस पर चार्ट एनालिसिस करके आपको नया वीडियो बना दूंगा, जो मेरे पास जो मेरे समझ में अभी स्टॉक आए उनके मैंने आपको वीडियो बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।